नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूँ प्रशांत और बहुत दिनों से मैं गायब था। ठीक है, कहाँ गायब था, कहाँ गया था और परिक्रमा में हूँ कि नहीं, मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो मैं सारी बातें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात बताता हूँ। तो राम राम इंडिया में जो पिछले एक साल में जिन्होंने जिन्होंने जो भी सवाल पूछे हैं, उन सारे सवालों के जवाब अब से आपको गुरु ज्ञान चैनल पे मिलेंगे। अब उसके ऊपर में एक एक सवाल लेके हम बताने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में सारी जानकारी देंगे। उसमें सवाल बहुत सारे अलग अलग हैं। अब क्या है, बहुत ज़रूरी भी है जो भी परिक्रमा आगे से करने वाला है। और परिक्रमा में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। इसी साल मैंने देखा, 3 साल पहले अलग परिक्रमा चल रही थी, अब अलग चल रही है। तो इस वजह से जो जो अनुभव किया, जो जो जानकारी मुझे मिली, अगली परिक्रमा जो भी कर रहा है उनके लिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें अलग बदली है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं। लेकिन वो बताऊंगा गुरु ज्ञान चैनल पे, राम राम इंडिया चैनल पे नहीं। वो इसलिए क्योंकि जो राम राम इंडिया पे चैनल पे चल रही ये चीज़ें, मतलब अभी जो सीरीज चल रही है वो है नर्मदा परिक्रमा की व्लॉगिंग की। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें एक एक वीडियो कंटिन्यू चल रही है, उसी में बीच में ये प्रश्नोत्तर वाली वीडियो आ जाएगी ना, तो आप ही गड़बड़ हो जाती है थोड़ा सा, और मेरे को भी कंफ्यूज का हो जाता, मैं कैसे जवाब दूँ। ठीक है, तो इस वजह से वो चैनल, उस चैनल पे गुरु ज्ञान पे। गुरु ज्ञान चैनल ढूंढना कैसे है, हैशटैग गुरु ज्ञान ऐसा लिखना है और उसके पीछे 777 3 बार 7 लिखना है, जैसे वीडियो में अभी दिख रहा है वैसे आप बिल्कुल लिखना। और चलो वो तो सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा वैसा, हैशटैग गुरु ज्ञान 777 ऐसा सर्च करेंगे तो डायरेक्ट चैनल आ जाएगा। और जिसको वो भी नहीं करना, तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ गुरु ज्ञान चैनल का, तो आप वहाँ पे जाके एक बार सब्सक्राइब कर लेना। बस सब्सक्राइब करते ही बार बार वीडियो आती रहेगी, आपको डिटेल सारी मिलती रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो उसमें सवाल कौन से आएंगे, जो भी आगे से परिक्रमा करने वाला है उनके लिए जो ज़रूरी सवाल होंगे, जो चीज़ें उनको ध्यान में रखनी है, वो सारी बातें उसमें हम चर्चा करेंगे और बताऊंगा, जो जो पता लगा मुझे वो सारी जानकारी दूंगा। चलिए, तो अब आता है मुद्दे पे कि भाई मेरे साथ क्या हुआ। मेरा हाथ टूट गया था, जिनको पता नहीं है उनको बता देता हूँ, हाथ फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद में मुझे चलने में भी दिक्कत आ रही थी और कहीं पे रहूं तो काम करने में भी दिक्कत आ रही थी, यहाँ तक कि खाना खाने तक में दिक्कत आ रही थी। मैं अपने सही से कपड़े नहीं पहन पा रहा था, कपड़े धो नहीं पा रहा था और कोई भी काम सही से हो नहीं पा रहा था। और मैं चल भी रहा हूँ, हाथ टूटने के बाद में मैं थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ रहा था, एक दो किलोमीटर ऐसे भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन क्या हो रहा था, बैग ऊपर यहाँ पे कंधों पे रहती है, तो वहाँ से अगर नीचे हाथ छोड़ता हूँ, हाथ एक जगह पे नहीं रख पा रहा था मैं, वो यहाँ पे लटका के फिर नीचे छोड़ के भी ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो दर्द होता जा रहा था। तो फिर और जिस समय लगा था उस दिन, तो 4-5 दिन तो इतना दर्द था, बहुत दर्द था। तो ट्रीटमेंट भी मिली, लेकिन वो नॉर्मल ट्रीटमेंट मिली, नॉर्मल कैसे, गांव का एरिया था लगभग, मैं ओमकारेश्वर की अगली साइड में पहुंचा था, तो गांव का सारा एरिया था, इतनी हैवी ट्रीटमेंट नहीं थी। तो धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ता गया, मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ, ज़्यादा ज़्यादा नहीं। और वीडियो तो मैंने पहले ही बंद कर दी थी बनानी, तो अब मैं जहाँ तक वीडियो बना रहा हूँ वो तो आपको मिल ही जाएगी। अभी तो आगे बहुत सारी वीडियो राम राम इंडिया पे डालनी है, अब आगे चलेगी, आप देखते रहिए। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हम पिछली परिक्रमा में नहीं जा पाए, वो इस परिक्रमा में गए हैं, बहुत सारी जानकारी हमें नई मिली है, बहुत सारे लोगों के साथ जान पहचान हुई है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हुई है। कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई है, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई है। बुरी चीज़ों के लिए हम मैया से वही माफ़ी मांगते हैं कि हमारे से हाथ से ये बुरा हुआ चीज़, ठीक है, अनजाने में हो ही जाता है, क्योंकि इंसान हूँ, बच्चा ही हूँ, अभी इतना समझदार नहीं हूँ, तो ये चीज़ उन चीज़ों के लिए हम माफ़ी मांगते हैं, कुछ गलत हो गया है तो, और हो गया है, मेरी नज़र में बहुत सारी चीज़ें गलत हुई है, तो उन गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ और हमेशा मांगता रहूँगा। और जो अच्छी चीज़ें हमारे निमित्त मात्र से हुई है, मतलब हम निमित्त बने अच्छी चीज़ों के लिए, वो हमारे से कराने के लिए धन्यवाद उसका, मैया का, और आगे भी अच्छी चीज़ें हमारे से होती रहे ऐसा मैं बोलूँगा। ठीक, तो ये वीडियो इसीलिए बनाई थी कि मैंने आपको सारी जानकारी दे सकूं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन नहीं सॉरी कमेंट बॉक्स में आपने सवाल पूछने हैं, जो भी आपको ज़रूरी सवाल लगता है वो सारे पूछने हैं। ठीक है,
उससे क्या होगा, मैं इस ये सवाल उठाऊंगा और गुरु ज्ञान चैनल पे उसकी वीडियो बना के डालूंगा। और पहले से बहुत सारे सवाल है कि मतलब कब परिक्रमा शुरू होगी, कैसे होगी, इस बार क्या क्या चेंजेस हो गए हैं परिक्रमा में, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा होगी परिक्रमा के अलावा भी, परिक्रमा के साथ भी। अभी मैं चातुर्मास में गुरु जी के पास आधी टाइम रहना चाहता हूँ और आधा टाइम मैं नर्मदा जी के किनारे रहना चाहता हूँ। अभी इस बार जो गुरु जी के पास रहूँगा, हमारे जो आयुर्वेद के बारे में है बहुत सारी चीज़ें मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मंत्रों से कैसे हम ठीक हो सकते हैं या फिर हम जड़ी बूटियों से कैसे ठीक हो सकते हैं, इस बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि कुछ लोग मुझे परिक्रमा में भी मिले जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते भी थे, और इसी पे मेरा रुचि बढ़ती गई, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इन बारे में कुछ ज्ञान अर्जित किया जाए। तो दोस्तों, हम अब आगे क्या करने वाले हैं इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपको जानकारी तो मैं देता ही रहूँगा, ठीक है, नर्मदा जी के किनारे कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ये सब चीज़ों की जानकारी, अनुभव थोड़े बहुत आए वो भी मैं बताता रहूँगा अगली वीडियोस में, ठीक है। आपने गुरु ज्ञान चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि उसी पे आएगी, और बाकी तो राम राम इंडिया पे तो जो अपन परिक्रमा कर रहे हैं उसकी वीडियो आएगी, ठीक है, कुछ रहेगी है तो वो मेरे को एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से अभी आगे चलेगी। अब से मैं वहाँ पे जानकारी दूंगा, और आगे मैं पर्सनली क्या करूँगा, अपना जो रुद्राक्ष का काम है, रुद्राक्ष और राशि रत्न पता है ना, ये वाले होते हैं जो, ये देखिए ये नीलम, ठीक है, राशि रत्न और ऐसे रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की मालाएं और शिवलिंग, तो हम ये प्रोवाइड कराने का काम करते हैं ओरिजिनल साधकों के लिए और शिव जी के भक्तों के लिए, नर्मदा जी के भक्तों के लिए। अब उसमें क्या है, नर्मदा जी के भक्तों के लिए और बाकी लोगों के लिए एक जाप जैसे जिसको करना है तो उस हिसाब से हम उनको माला प्रोवाइड कराते। माला अपने पास पटिक माला से लेके सुलेमानी हकीक और बाकी जो रत्न है, सारी रत्नों की माला, मूंगे की माला, इसकी माला, उसकी माला, रुद्राक्ष की, रुद्राक्ष में अपने पास 6 मुखी से लेके 10 मुखी तक माला अपन को मिल जाए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा हमने काम बढ़ाने की सोचा है, तो वो काम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। और मैं इस काम को सेवा का नाम नहीं दे रहा, क्योंकि नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, हम ये कर रहे हैं पैसे के लिए, ठीक है, पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये एक बात है कि हम पैसा कमा के क्या कर रहे हैं वो सेवा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल पैसे के लिए कर रहे हैं, ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूं। कहीं आप सोचो कि सेवा बोलता है और वो तो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है, नहीं, अभी तो मैं पैसे के लिए ही कर रहा हूँ, उसके बाद उस पैसे को मैं इकट्ठा करता हूँ, उससे सेवा करता हूँ, ये बात तो है, ठीक। तो इस वजह से शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग जिसको चाहिए वो मेरे को बताना, और रुद्राक्ष जिसको ओरिजिनल चाहिए होगा नेपाली वो भी बताना, मालाएं जिसको चाहिए होगी वो भी बताना, स्फटिक माला और रुद्राक्ष की माला हम स्पेशली अच्छी क्वालिटी की हम देते हैं, बाकी रत्नों की भी देते हैं अच्छी क्वालिटी की, लेकिन इतनी ज़्यादा मंगाते नहीं है क्योंकि महंगी होती है थोड़ी सी, ठीक है। और राशि रत्न आप हमें कुंडली भेजेंगे या फिर आप जन्म डेट और जगह स्थान वगैरह टाइम वगैरह बताएंगे, तो उस हिसाब से भी आपको कुंडली देख के भी हम राशि रत्न प्रोवाइड करा सकते हैं और रुद्राक्ष भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये हम काम करने वाले हैं, तो धीरे धीरे हम ये करेंगे। और एक मैं बात बताऊँ, जो नंबर दिया गया है मेरा अभी ये इस पे चल रहा होगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फोन करिए या तो फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। कमेंट में क्या होता है, बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन मैं कैसे कांटेक्ट करूँगा ना आपसे, तो फिर आपको करना पड़ेगा ना। मैं अगर कमेंट कर भी दिया, कमेंट देखोगे नहीं आप, लेकिन चाहिए तो फिर कैसे ना होगा। तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करिए, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कॉल करके मेरे को बताना है कि मेरे को ये चाहिए, और तो मैं आपको बताऊंगा भी क्या क्या कॉस्ट पड़ेगी और फिर कैसी क्वालिटी मिलेगी, उसकी फ़ोटो होगी तो फोटो भेज दूंगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो आज की भी इस वीडियो में इतना ही। प्राणियों की सेवा करें, पेड़ लगाएं और अपने आसपास स्वच्छता रखें और मानवता धर्म का पालन करें। नर्मदे हर हर महादेव।